और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी की। हंसते हंसते सीएम योगी की आंखों में आंसू आ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 15 मिनट तक वो मंच पर हंसते रहे? किस बात पर हंसे? फिर जब आंखों में आंसू आ गए तो रुमाल से साफ करने लगे। सीएम योगी को हंसते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ऐसी हंसी पहली बार दिखी। और आनंद भी मिल रहा है, सुरक्षा भी मिल रही है, प्रशासन भी मिल रहा है, दूठे वैक्सीनों गड़ा गई बा। शुरू में जब हंसे तो लगा कि थोड़ी देर बाद हंसी रुक जाएगी, लेकिन वक्त के साथ सीएम योगी की हंसी बढ़ती गई। तो भैया हो पा रहे हो। सीएम योगी खुद पर काबू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कोरोना से बचो गई ले सब लोग, उग्र बात समझ रहे हो, आदमी धन्यवाद नहीं दे पाता, बड़ा दुख होता है। सीएम योगी की बाईं ओर एक कुर्सी खाली थी। थोड़ी देर बाद गोरखपुर के सांसद रवि किशन उस कुर्सी पर बैठ गए और फिर सीएम योगी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री हंसते जा रहे थे। रवि किशन के पास आने पर उनकी हंसी और बढ़ गई। और हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू भर आया। सीएम योगी रुमाल से आंसुओं को संभालने की कोशिश करते दिखे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आखिर किस बात पर सीएम योगी को हंसी आई? किसने क्या कहा कि मुख्यमंत्री हंसने लगे? दरअसल सीएम योगी एक कार्यक्रम में गए थे और उस वक्त मंच पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन बोल रहे थे। कमलेश भैया के छोटे भाई विमलेश भैया माननीय विधायक, उनका स्वागत करता हूँ। मैम, जस्ट नाउ यू स्पोक मैम वेरी वेल, ग्रेट रिगार्ड्स फॉर यू मैम। सांसद रवि किशन ने पहले हिंदी में संबोधित किया, फिर इंग्लिश में बोलने लगे और आखिर में भोजपुरी अंदाज में बोलना शुरू किया। कैसन लगता हो, कितना बढ़ल बा मालूम बा? पहले नहीं महाराज जी बताइए, लेकिन हम खांटी में कुछ बता देव, काहे कि हमरो माई खेती में भाई, हमरे माइयों की खबर ही हम देव। सांसद रवि किशन का चुटीला अंदाज देखकर सीएम योगी हंसने लगे। शुरू में लगा कि सीएम योगी की हंसी अब रुक जाएगी, लेकिन रवि किशन जिस अंदाज में बोल रहे थे, पूरा हॉल हंस रहा था। हमार माई गांव में खेत देखल, बाबूजी चल गए, ओकरे बाद माई कुल हिसाब किताब खेत का संभाल, वही से अपना गाँव खलिहान देखती है। अब 90 रुपया प्रति क्विंटल मिली, तो भैया वो जरदार चाल ताली होना चाहिए आप लोगों को, मतलब समझ रहे हो, पा भी रहे हो, ताली भी नहीं बजा रहे हो, सब कुछ मुफ्त में भी पा रहे हो और आनंद भी मिल रहा है, सुरक्षा भी मिल रही है, प्रशासन भी मिल रहा है, दूठे वैक्सीनों गड़ा गई बा। सांसद रवि किशन कोटेदारों के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे और फिर अपनी माँ के संघर्ष को याद करते हुए कमीशन की बात करने लगे। इसी बात पर सभी लोग हंस रहे थे। सीएम योगी 15 मिनट तक हंसते रहे। रवि किशन जब तक बोले तब तक हंसी आती रही और जब पास में जाकर बैठ गए तब भी उनकी हंसी नहीं रुकी, क्योंकि इसको लेने का अब इतना आदत हो गया है, ऐसे लग रहा बस महाराज जी यहाँ दिया महाराज जी, तो महाराज जी को देने के बाद महाराज जी यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि मैं जनता के लिए सोच रहा हूँ, अपने प्रदेश के लिए, अपने भारत के लिए। सीएम योगी की ये हंसी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। लोग कह रहे हैं कि सीएम योगी कभी इस तरह से खुलकर नहीं हंसते हैं, लेकिन रवि किशन ने हंसाते हंसाते रुला दिया। गोरखपुर से न्यूज 18 के लिए राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।